मैं एयर इंडिया और एयरबस को इस लैंडमार्क एग्रीमेंट के लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। एयर इंडिया और एयरबस का समझौता भारत फ्रांस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के लिए भी एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। भारत की मेक इन इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड विजन के तहत एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग में अनेक नए अवसर खुल रहे हैं। इंडियन एविएशन के लिए आज एक ऐतिहासिक दिन है। एयर इंडिया ने एक इतिहास बनाने वाली डील में फ्रेंच एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर एयरबस से 250 एयरक्राफ्ट यानी 250 विमान लेने का ऐलान किया है। ऑनलाइन मीटिंग के दौरान फ्रेंच प्रेसिडेंट और प्रधानमंत्री मोदी दोनों शामिल थे। दोनों ने बधाई देते हुए कहा कि ये भारत के इतिहास की सबसे बड़ी एविएशन डील है। इस डील में 40 बड़े आकार के विमान शामिल होंगे। टाटा संस के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने मीटिंग के द्वारा पूरी जानकारी दी। एयरलाइन अपने बड़े और परिचालन का विस्तार करने की तैयारी कर रही है। बता दें कि पिछले 17 साल में यह पहला मौका है जब एयर इंडिया विमान खरीदने के ऑर्डर देने जा रही है। टाटा ग्रुप के अंडर आने के बाद यह एयर इंडिया का पहला ऑर्डर है। बता दें कि पिछले साल यानी 2022 में लॉस में चलती हुई एयर इंडिया को टाटा समूह ने अपनी शरण में लिया था। प्रधानमंत्री मोदी ने बधाई देते हुए यह भी कहा कि यह डील सिर्फ इंडियन एविएशन सेक्टर के लिए ही नहीं इंडिया और फ्रांस के रिश्ते को मजबूत करने के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। इंडियन एविएशन सेक्टर की ग्रोथ को देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि आने वाले 15 साल में इंडियन एविएशन सेक्टर को 250 से ज्यादा एयरक्राफ्ट की जरूरत पड़ेगी।